गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मौसम अच्छा है, धूप निकली तो आज मैंने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले कपड़े धो दिए, बिकॉज आनू के कपड़े सूखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो अच्छे से धूप में ही सूख पाते हैं, बिकॉज क्या है ना कि अच्छे से धूप होगी और उसके विंटर के कपड़े हैं, तो आज धूप बहुत अच्छी निकली है तो मैंने उसका ब्लैंकेट सब एक बार अच्छे से धो दिया आज। एंड अब जस्ट मैं लग गई हूँ सुबह सुबह काम पे चाय पीते, बिकॉज विंटर आ गई, थोड़ी मतलब ठंड लगने लग गई है। क्या होता है ना, बाहर जाते हैं घूमने ठंड लगती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना विंटर्स के कपड़े निकाल लेती हूँ। तो मैंने विंटर के सारे कपड़े निकाले आज, समझ के जो जो नीड के नहीं है वो बेड में रखूंगी और विंटर्स के कपड़े निकाल के अलमारी में रखूंगी। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है जब मौसम चेंज होता है ना, तो बस मैं आज सुबह से उसी काम में लगी हुई हूँ। और अब मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे कपड़े बेड में से निकाल लिए हैं, जस्ट मुझे वो अलमारी में सेट करने हैं। कुछ कुछ जो मेरे को लगता है ड्राई क्लीन कराने पड़ेंगे उन्हें मैं ड्राई क्लीन करूंगी। ये नहीं, मेरे सारे कपड़े बेड पे निकले हैं, मेरी अलमारी सेट कर रही हूँ मैं। सो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मैंने इस बैग में से अपने विंटर के कपड़े निकाल के सारे समर्स की ड्रेसेस एंड ऑल भर दी हैं। ये मेरे सारे विंटर के कपड़े जो मैं अब अलमारी में सेट करने वाली हूँ। इसमें आनू के कपड़े तो लटके ही रहेंगे, प्लस मैं अच्छे से अलमारी सेट करूंगी, बहुत ज्यादा अनइवन सी हो रखी है। और ये सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा टास्क। अभी तो अंकित के मैंने निकाले नहीं है, सिर्फ मेरे विंटर के कपड़े मैंने निकाले हैं, इनको करते हैं सेट। आज का सबसे बड़ा टास्क हमारी सेट हो गई। थोड़ा और उसको मैं बाद में ठीक करती रहूंगी, अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। अंकित ने बोला कुछ लाइट खाना है, सो आई विल मेक पोहा और आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करके। कौन है ये कुत्ता बीबी? कौन है ये कुत्ता बीबी? ओ नो नो बाबू, दोनों मम्मी बेटे रेडी हो गए ना दोगी? मेरे बाबू लंच में क्या खाएगा, जिसको खिलाऊंगा मूंग की दाल। इसे मूंग की दाल सबसे पहले खाई थी और तब ये मतलब ऑलमोस्ट मान लो 10-15 दिन पहले से इतना बुरा मुंह बनाया था ना, पता नहीं क्या क्या करी थी मूंग की दाल खा खा के। आज इसको फिर से मूंग की दाल खिलाऊंगी, क्योंकि जब मम्मी डैडी आप दोनों नहीं खाते मुझे क्यों मूंग की दाल खिला रहे हो? बट इट्स गुड फॉर यू बेबी, इट्स विल गिव यू प्रोटीन। ये देखो जा पड़ी, मैं नहीं उठा रही अब आपको, मैं नहीं उठा रही आनू आपको। एक तो ये इसने ना इधर से उधर घूमना देखना गिरी, और इसने क्या ही पोजीशन ले ली, क्या ही पोजीशन ले ली। आनू सब पूछ रहे हैं कहाँ हो आप, ये अपनी ट्रिक मुड़ने वाली सबको दिखा दो, सबको सिखा दो, चलो सिखा दो, सिखाओ। ये नी शैतान हो गई, ये नी शैतान ना, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, मेरी नाक में दम। आनू चलो, आपको नानी के पास छोड़ के आ रही हूँ मैं, नानी बुला रही है पुणे, जाओ नानी बुला रही है, नानी के पास चले जाओ पुणे, जाओगे? नानी बुला रही है जाओ, नानी यमी यमी खाना खिलाएंगी, वड़ा पाव खिलाएंगी, पुणे का वड़ा पाव। गुड्डू आनू आनू ये लो, अच्छा टेक दिस रिमोट, अपने ले लो, कोकोमेलन लगा लो, कोकोमेलन लगा लो, कोकोमेलन आनो। अरे क्या, अरे 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 क्या कर ले हो, क्या कर ले हो, क्या कर ले हो? आज धूप बहुत अच्छी निकली है ना, सो कपड़े तो मेरे धुल के सूख भी गए, इतनी बढ़िया धूप निकली है ना आज। तो मैंने तो थोड़ी देर आनू के साथ धूप में बैठ के ही अपना नाश्ता किया था, और इतनी अच्छी धूप का देखो व्यू कितना मस्त लगता है ना, मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। मतलब अपने घर से ना व्यू कभी बोर नहीं होती, मैं कभी भी बोर नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारा ये वाला जो रूम है ना, इस रूम से अभी यहाँ पढ़ते हैं, इस रूम से यहाँ पे विंडो है, सो पूरा हाईवे दिखता है इस रूम से भी। और इस रूम का आपको व्यू दिखाती हूँ एक बार, ये मेरा रूम है, और इस रूम से ना अगर मैं पूरे पर्दे हटा देती हूँ ना, सो ऐसे पूरा व्यू दिखता है, और पूरे रूम में इतनी अच्छी धूप आती है ना, इतनी अच्छी, मतलब मैं और अंकित तो इस रूम में बैठ जाते हैं अगर हमें धूप एंजॉय करनी होती है, इतना मजा आता है यहाँ पे। हे गाइस, सो बाहर ना बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा, मतलब आज भी हम डिसाइडेड कि आनू को बाहर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैंने तो इतनी मोटी जैकेट पहने, आई एम हैविंग माय कॉर्न एंड स्वीट कॉर्न वाला सूप। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, बहुत ठंड। एंड अंदर रहना सेफ ज़रूरी है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं बीमार पड़ूँ अंकित या फिर आनू। अंकित को मैंने जस्ट अभी हनी टेस्ट का काढ़ा बना के दिया, इट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज उनको थोड़ा सा चोकिंग लग रहा था, सो लेट्स सी। और मेरे को अभी वेजीज खरीदने जाना है बाहर, थोड़ी सब्जी, बट जाना पड़ेगा, बट जल्दी जल्दी भाग के आ जाएंगे वापस। अनु को वॉक पे नहीं लेके जाना, इतनी हवा में ना इट्स नॉट गुड फॉर हर। सो मैं सूप पीती हूँ आराम से, अभी गर्मा गर्मा मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे।
सो मैं अपनी वेजिटेबल्स खरीद के ले आई थी, और आजकल हरी सब्जी आने लगी ना, मेथी लेके आई हूँ, पराठे मस्त लगते हैं, और इसमें तो हरी मिर्च पड़ी है, और मूली अंकित के मूली के पराठे। सो हम लोग मार्केट से वापस आ गए थे, देन वी जस्ट हैड आवर डिनर, और अब हमने आनू को सुला दिया है, आनू बेबी जस्ट सोई है। सो अपने ब्लॉग को आज यहीं एंड करती है, और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू दिन की शुरुआत। वेंसडे में ऐसा लगता है कि हाफ डे हाफ वीक खत्म हो गया, एंड अंकित आज ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बट कल ही विल गो टू ऑफिस, और अब मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। एंड आज का दिन मैंने काफ़ी रेस्ट किया, सो आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून, एंड मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं बस जाके अपनी नींद पूरी करूंगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ मैं। सो स्टे ट्यून गाइज, एंड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।